If you are new to this channel, please like, subscribe and turn the notification bell on so you can watch all the upcoming videos before anyone else. आज मैं जाने वाला हूँ अरिंदम के साथ, उनके पास है एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन, तो वो मेरे लिए यही कहीं वेट कर रहे होंगे। ब्रदर अरिंदम आ चुका है और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे, तो लेट्स गो। तो आज एक ही साथ में मौका मिला है कि आप लोगों को माइक्रोफोन भी टेस्ट करवा दूँ, इसका साउंड कैसा आता है, क्योंकि आज बारिश अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए माइक्रोफोन का भी टेस्टिंग हो जाएगा आज इसी वीडियो में। और ये सिलीगुड़ी का ट्रैफिक, तो मेरा साउंड सुन के हिमालयन भी शर्मा गया। मॉडिफिकेशन करवाने के बाद सॉलिड साउंड है मेरे जावा 42 में। अभी कर सकते हो सिंपली, आप जो डीबी किलर है उसे निकाल दो, उसके बाद एक कॉइन होता है वहाँ, उस कॉइन को निकाल के फिर से डीबी किलर अंदर इंसर्ट कर दो, बस सिंपल प्रोसीड्योर। पुलिस भी आपको नहीं पकड़ेगा क्योंकि आप साइलेंसर चेंज नहीं कर रहे हो, और उसी के साथ आपको मिल जाएगा ऑसम साउंड। सो आ गए फाइनली शोरूम के सामने। सो हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, आई एम सैम एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑन व्हील्स। अभी मैं खड़ा हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम के सामने। आज है 1 सितंबर और मैं यहाँ क्यों आया, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, क्योंकि मेरे पास तो है एक जावा 42। सो फिर मैं यहाँ क्यों आया, द आंसर इज टुडे एक्चुअली रॉयल एनफील्ड इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू वेरियंट ऑफ क्लासिक 350 एज न्यू जेन और न्यू जेनरेशन। हियर इट इज रिटन ऑल्सो क्लासिक रिबॉर्न। तो इसी लॉन्च प्रोग्राम के लिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। सो मेरे साथ है अरिंदम, जिनका चैनल का नाम है एडी मोटोब्लॉग्स, और ये है उनका बाइक जो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सो उन्हीं के साथ मैं यहाँ आया हूँ इस लॉन्च प्रोग्राम को एंजॉय करने और देखने क्या क्या फीचर चेंज किया गया है 350 क्लासिक में। तो देखते रहिए वीडियो आखिर तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो से। शोरूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। सो अभी चलते हैं अंदर शोरूम के। पहली बार मैं जब आया था शोरूम तो मुझे ये वाला पसंद था, रॉयल एनफील्ड बुलेट, बट माई हाइट इज़ 5'4" एंड इसका जो सीट हाइट है कुछ ज़्यादा ही है, मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए मैं इसे सिलेक्ट नहीं किया फाइनली। यहाँ पे रखा गया है दोनों बाइक जिनको रिवील किया जाएगा और उसी के साथ लॉन्च प्रोग्राम होगा। रॉयल एनफील्ड का पर्सनली जो मुझे पसंद है, इसका बहुत सारा एक्सेसरीज आता है, जैसे कि यहाँ बूट रखा हुआ है कुछ और जैकेट्स है, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट द आर्मी कलर। मेरा एक सपना है, अगर इन फ्यूचर मैं अपना घर बनाऊं और उसमें स्पेस बचे तो ज़रूर मैं ऐसे डेकोरेट करना चाहूँगा अपने घर को। हेयर आर सम मोर एक्सेसरीज लाइक की रिंग्स, सनग्लासेस, बैंड्स, रिस्ट बैंड्स एंड ग्लव्स, और यहाँ और कुछ एक्सेसरीज रखा गया है, क्रैश गार्ड, हैंडल बार गार्ड और विंडशील्ड और कुछ सैडल बैग्स है यहाँ पे। यह एक चीज़ अच्छा लगा कि प्रोटोटाइप्स जो होता है बाइक का, डेमी वो रखा हुआ है छोटा, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। दिस इज़ अनदर बाइक विच इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट, दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल GT। और यहाँ पे रखा हुआ है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, जिसे कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, और इसी का जो इंजन है वो लगा है न्यू जनरेशन 350 में, मतलब जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है उसमें मीटियोर का ही इंजन लगा हुआ है।
special day when Royal Enfield brings you to its new Classic 350. It's a long wait, but before we talk more about the new Classic, I would like to share with you a brief timeline which will be shown on the TV on my right. World's longest enduring legacy in motorcycling through the sands of time. From its humble needle-making origins, by the end of the century, it was making quadricycles and tricycles. And in 1901, Royal Enfield unveiled its first motorcycle. Royal Enfield launched the Bullet in 1932, a versatile motorcycle of its time. And center in Chennai, which is already playing a crucial role in our future products, starting with our latest cruiser motorcycle, the Meteor 350. Royal Enfield continues to cast its spell of a new order of motorcycling and continues to inspire riders with machines for pure motorcycling fun. Wow, what a rich history Royal Enfield has, and we are so proud to be associated with a brand like Royal Enfield. You know, 120 years of continuous motorcycling and manufacturing. Motoblogger Niladri, do we have Hero with us? Any young riders, those who ride, will be on our track. Where is Suresh? Come, Suresh. Motorcycle has matching color trims on the bead stitch and rims. The blackened out team across the motorcycle accentuates the strikingly colored tank matching with tapes. The Classic comes with a flatter handlebar that helps you with a more self-riding experience. The new model, the first is Redditch. I'll also tell you the price. The Redditch price is starts from at showroom 1,84,374. Now taxes and insurance are separate. Second variant is Halicon. There are three colors. The price range starts from 1,93,123. The third variant is Signals. I'm sure many of you are familiar with. Signals earlier used to be Airborne Blue and Signal Sand. Now there are two colors, Marsh Grey and Desert Sand. The price variant is 2,04,367. The fourth variant is Dark. That is Dark Stealth Black and Dark Gunmetal Grey. And the fifth variant is the premium variant, that is Chrome, Chrome Bronze and Chrome Red. So friends, I think it's time to unveil the new All Classic 350. Come on. Hi bro. Hi. Here is biker Niladri. I'm your big fan. Very nice videos, bro. Thank you so much. So अंदर हो रहा था बाइक का लॉन्च और बाहर हो रहा है फिर से बारिश. मतलब कुछ समय के लिए बारिश रुका और फिर से स्टार्ट हो गया. तो आज का वीडियो था इतना ही. कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा तो भी बताना.
और आज के लिए करता हूँ वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑन व्हील्स।